करार हुआ था। हो गई दोस्ती, कांग्रेचुलेशंस। बहुत तेज हो। क्या करूं, तुमसे बात करना अच्छा लगता है मुझे। तुमसे मिलने के बहाने ढूंढता रहता हूं। माहिर को हमने शहजादियों की तरह पाला है। वो तो है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसका रिश्ता किसी बड़े घर में हो। आपकी जो मोहब्बत है ना, उसके इजहार का वक्त अब आ चुका है। मेरे ख्याल से आपको माहिर के बारे में सबको बता देना चाहिए। सुन लेगा यार? तो मैं तो चाहती हूँ कि सुने। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। Will you marry me? माहिर, are you okay? माहिर, क्या हो गया है? अरे माहिर, बात तो सुनो। माहिर, no, I'm not okay. क्या हो गया? I'm not okay. What is this? माहिर, काम है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये करने के लिए? माहिर, क्या हो गया है? काम ये सब क्या है? कैसे काम ना हो यार? ये सब क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? मुझे प्लीज घर छोड़, मुझे प्लीज घर छोड़ दो ना। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं फारस को बुला के लाती हूँ। प्लीज जल्दी करो। अम्मी, मैं सोच रही हूँ अंगूठी बेच दूँ। अच्छा है, थोड़े बहुत पैसे मेरे पास भी आ जाएंगे, मैं भी अमीर हो जाऊंगी। अच्छी है, काफी खूबसूरत है। सुन रही है? मैं बेच दूंगी अंगूठी। चुप कर जाओ नीलो, क्या टट्टर लगा रखी है तुमने। अम्मी, अगर कुछ करना नहीं था तो इतनी इमरजेंसी में रिंग खरीदी क्यों थी आपने? भाई जाए ना, चाचा जान से बात करें, आज ही अंगूठी पहना दे माहिर को। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं भाई को जाके देती हूँ, कहती हूँ डायरेक्टर नीलो पहना। क्या छुपा? अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दिखा, दिखा, दिखा। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अम्मी जरूरी बात कर रही हैं आपसे, जाके सुने। क्या? अरे ऐसे ही बस बोलती रहती है तो। ये आप दोनों ना किसी मिशन पे हैं। चाचू बुला रहे हैं मुझे, आता हूं। जाओ सुन लो चाचू क्या कह रहे हैं। अनाभ्या की गाड़ी है, मुझे लगा वो ही आ रही है ड्रॉप करने। चली जा। माहिर, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप क्या चाहते हैं मुझसे? तुमसे एक खूबसूरत रिश्ता बनाना। मतलब खूबसूरत रिश्ता? देखो माहिर, मैं ना एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, जो दिल में आता है कह देता हूँ। और मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मोहब्बत कैसे हो जाती है? और चलो मान लिया कि तुम्हें मोहब्बत हो गई मुझसे, इतने लोगों के सामने बस पूछ लिया, पूछा भी नहीं बल्कि अपना अपना फैसला सुना दिया सबके सामने। पूछ तो लेते मुझसे। फैसला नहीं सुनाया,
तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए अपने सब दोस्तों के सामने उसका ऐलान किया, लेकिन तुम्हें पूरा हक है, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहो तो कर सकती हो। ऐसे मोहब्बत हो जाती है इतनी जल्दी? कैसे होती है, क्या है, ये सब तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे ये पता कि मुझे तुमसे प्यार हो गया और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे इनकार भी कर दोगी ना, मुझे वो भी कबूल होगा। जी जी मैं बस आ रही हूँ, बस निकल गई हूँ। हाँ वक्त देख रही हो, कहाँ है तुम्हारी साहबजादी? फोन करो उनको और कहो लोकेशन भेजें, साथ को भेज रहा हूं उनको पिकअप करने के लिए। नहीं नहीं वो गाड़ी में बैठ गई थी, मेरी अभी बात हुई है, बस आ रही है घर। तुम्हें पता है रुफिया, एक दिन बहुत नुकसान उठाओगे तुम, तब कहीं जाके समझ आएगी तुम्हें, क्योंकि तुम जैसे लोग नुकसान उठाए बगैर कुछ सीखते नहीं है। घर छोड़ दो, देर हो रही है, बाबा गुस्सा हो रहे हैं। मैं तुम्हारा टाइम जाया नहीं करना चाह रहा हूँ, ना ही मेरे लिए ये टाइम पास है, तुमसे सीधा निकाह करना चाहता हूँ माहिर। पसंद नहीं होगी तुम्हें? नहीं मतलब हो, अच्छे हो तुम, अच्छे हो, लेकिन मोहब्बत इतनी जल्दी हो जाती है, मतलब अच्छे हो तुम, क्या कहूँ? देखो मैं जानता हूँ मैंने शायद गलती कर दी, मैं तुम्हें अगली दफा इन 10 लोगों के सामने प्रपोज नहीं करूंगा, सीधा 100 लोगों की बारात घर लेकर आऊंगा। प्लीज घर छोड़। हाँ भाई चुड़ैल, क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों? क्या हुआ? भाई मैं सोच रही थी कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो कि आपकी और माहिर की शादी ना हो सके तो। क्या भागल भागल तो नहीं हो गई तुम? Are you okay? क्या सोचती रहती हो तुम? ओ चाची जान है ना यार, वो जज्बाती हैं, बिल्कुल बुरी नहीं है ना, आई एम श्योर माहिर के आगे दीवार नहीं बनेंगी। भाई आपको पूरा यकीन है कि आप माहिर की खुशी? क्यों भाई तुम्हें कोई शक है उस पे? कोई नहीं है उसकी जिंदगी में। अब हो भी तो सकता है। नहीं हो सकता, दोस्त है वो मेरी, कजन्स हैं हम, अब छोटी से छोटी चीज भी ना एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, सो रिलैक्स। मगर भाई अगर मगर कुछ नहीं, ये बोंगियां मारना और सोचना बंद करो और ये चाय लाओ। मुझे दे मेरी चाय है यार। ये तुम ही पी लो, बहुत बुरी।
और मेरे लिए अच्छी सी बना दो। जाने यार प्लीज। अल्लाह करे जो सोच रही हूँ वो गलत हो। माहिर, मुझे मेरे सवाल का जवाब कब मिलेगा? अब्बू, आप मेरी बात नहीं सुन रहे? सुन रहा हूँ, बोलो क्या बात? नहीं सुन रहे, मेरी बात गौर से सुने। अभी चल के चाचा जान से बात करें। अरे क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या पड़ गई तुम लोगों को? सबर करो थोड़ा। अरे भाई, हम तो सबर कर लेंगे लेकिन रफिया नहीं करेगी। वो तो दिन रात अपनी बेटी के रिश्ते ढूंढ रही है। जो करे उसे कर लेने दो, होगा तो वही जो उधर चाहेगा। अब्बू आप सुन नहीं रहे मेरी बात। आप अभी चलें और चल के बात करें। भाई बात करने में क्या हर्ज है? तुमसे कहा है बात कर लेंगे भाई, रफिया से किसी वक्त बात कर लेना, चले चलेंगे। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं सुनेंगे। आप लोग रोज आजकल करते रहेंगे, अभी उठें। नीलो टीवी भी बंद कर दिया। अरे नीलो, आप लोग नहीं सुनेंगे मेरी बात। खाने जा रहे हैं तुम्हारे। अभी चलें, अभी चलें। बस सब्र कर लो थोड़ा। एक दो दिनों से सोच रहे थे तुमसे बात करने के लिए, तो रफिया को बुला लेते फिर कर लेते। रफिया है नहीं घर में, वो पड़ोस में एक जगह अफसोस के लिए गई हुई है। अच्छा तो फिर ठीक है, रहने दीजिए, बाद में बात कर लेंगे। आप फिर कर लेंगे बात। ये क्या बात हुई? आपका अपना घर है, आपको जो कहना है खुल के कहें। रफिया का इंतजार करने का क्या मतलब है? कहना है क्या भाई, वो ये जो तुम्हारी लाडली भतीजी है ना, इसको बहुत शौक चढ़ा हुआ है अपने भाई की शादी करने का। और ये जो हमारी अकलौती बेगम साहब हैं, ये चाह रही हैं कि इनके बेटे के सर पे सेहरा सज जाए, बस इतनी सी बात है। भाईजान ये तो बहुत खुशी की बात है, भाभी मुबारक हो। भाई खुशी तो मुझे जब होगी जब मैं अपनी माहिर को अपने हाथों से अंगूठी पहनाऊंगी, पैसे रखूंगी उसके हाथ पर और मिठाई खिलाऊंगी। क्या हो गया अगर मियां, किस सोच में पड़ गए? नहीं भाईजान कुछ खास नहीं, बस अभी मेरी और रफिया की तो ख्वाहिश थी कि बेटी जरा तालीम पहले मुकम्मल कर ले, फिर सोचेंगे उसके बाद करते रहेंगे सब कुछ। तो मतलब चाचा आपको माहिर और भाई के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है? कैसी बातें कर रही हो नीलो, घर के बच्चे हैं, एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, भला क्यों एतराज होने लगा? और वैसे भी माहिर को पसंद करता है मेरा बेटा। ये बात भी है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक छोटी सी रस्म कर लेते हैं, अच्छा है ना बाबा, घर में रौनक भी हो जाएगी। हाँ अजहर, मैं और नीलो तो अंगूठी भी खरीद कर ले आए हैं। अब तुम ऐसा करो कि कोई अच्छा सा दिन बता दो, हम लोग आएंगे और आके रस्म कर जाएंगे छोटी सी। भाभी मेरा कहना तो ये है कि घर की बात है, अपने ही बच्चे हैं, क्या रसम भी क्या करना। अरे यार, अच्छा रसम नहीं करनी, हम मुंह तो मीठा कर सकते हैं। अच्छा जा जा लड़की जा, उधर देख मिठाई रखी होगी, ले आकर आ दे। मुबारक। हाँ इस साल हम सोच रहे पेरिस चले। यू नो हाउ रेहान लव्स लंदन एंड आई एम सो बोर्ड विद इट, पता नहीं उसको क्या नजर आता है वहाँ। You know how Rehan loves London. Acha, I'll call you back. Arif is home. Wow. Hey, mom. Hey. इतने आज दुनिया फतह करके आ रहे हो? बस यही समझे, यही समझे कि आपके बेटे ने पूरी दुनिया फतह कर ली। हमें भी तो पता चले कौन सी दुनिया फतह करके आ रहे। बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले कॉन्फर्मेशन तो आए दुनिया फतह करने की, पर सबसे पहले आपको बताऊंगा। I'm gonna go to my room. I'm gonna go to bed. Looking okay? Good. Thank you. Pata nahi kin chakru mein ye. And like all of you, to meet a very special person for me, Mahir. Will you marry me? Main to seedha nikah karna chahta hu. पसंद
मैं तो आ रहा था लेने, लेकिन फिर चाची ने कहा कि तुम रास्ते में हो, आ रही हो घर, तो रुक गया। क्या माही? क्या हुआ, कहाँ घूमो? तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत? हाँ, मतलब I mean, कोई ऐसे तुम्हें अचानक से अच्छा लग गया, अचानक से बिल्कुल, और जब भी तुम आंखें बंद करो तो सिर्फ उनका चेहरा दिखाई। मुझे तो आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो चेहरा हर वक्त मेरी नजरों के सामने होता है। मैं जब चाहे उससे बात कर लेता हूँ, जब चाहे उसकी हंसी की आवाज सुन लेता हूँ। साद, शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगा। किसी को बताना नहीं। मुझे लग रहा है शायद मुझे मोहब्बत हो गई है। मुबारक हो। आज हमारे घर में बहुत बड़ा दिन है। क्या हुआ? आज हमारे घर में बहुत बड़ा खुशी का दिन है और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह मियां नजरबद से बचाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी खुशी? भाई, खुशखबरी की बात है, इसीलिए खुश हूँ। चाचा जान और अब्बू ने आप दोनों का रिश्ता तय कर दिया। अरे यार माहिर, क्या करती हो यार? ये मांग मैं लेके आएगी फिर प्यार से आप लोगों। जाओ ना। अच्छा, ध्यान से, आपको चोट ना लग जाए। ओके ओके, मैंने मिठाई खिला के आती हूँ। भाई बच्चे किस रवानी से बड़े हो गए कि पता ही नहीं चला कि रिश्ते आने लगे। जी, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गई मेरी बच्ची, आ गई मेरी साथ की दुल्हन। खुश रहो, तू तो नहाओ, पू तो भूलो। आओ जरा, आओ, शाबाश, आ जाओ, बैठो यहाँ। आज तो अजहर तुमने मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मंगनी के दिन ना अपनी दुल्हन को खुद ही अपने हाथ से पहना देना। साथ शर्मा गई वाली, जाहिर है शर्मो हया वाली है हमारी बच्ची, और वैसे भी खानदानी कदरों को बहुत अच्छे से समझती है। अरे तुम क्या बुत बने खड़े देख रहे हो? शादी, आओ चचा के गले लगो। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज दे दी उन्होंने तुम्हें। हाँ देखो बेटा, तुम सब जानते हो, बचपन से ही देख रहे हो, इकलौती है मेरी, बहुत चहेती है। जो तरबियत हमने की है, हमें पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। बस तुम कमी ना करना,
प्यार में और इज्जत में। जी चाचू, ख्याल रखना। अच्छा मुंह तो मीठा करो ना भाईजान। आप शुरू। हाँ हाँ मैं ले तो भाई। आपने भाभी जान आप रखो ले, ना आपने मुंह मीठा करो। अभी ले लो। हाँ भी रख दिया। ये क्या हो रहा है? अरे भाई रख दिया। हाँ चलो। बहुत बहुत मुबारक हो भाई तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अजहर ने मेरी दिली मुराद पूरी कर दी आज तो। माहिर के और साथ के रिश्ते को बाकायदगी से कबूल कर लिया। आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? बचपन की मर्जी है, बचपन की मांग है उसमें, और ये तो सिर्फ एक रस्मी सी बात है। मुझे तो नहीं याद पड़ता भाभी। और बिल फर्ज अगर ऐसा हुआ भी था तो ये बहुत पुरानी बात होती है। क्या मतलब है रफ़ी? चीजें पुरानी हो जाए तो उनकी वक़्त खत्म हो जाया करती है क्या रफ़ी? रिश्ते और पायदार और मजबूत होते हैं। चाची जान आप मुंह तो मीठा करें। मुझे नहीं खानी है, मुझे ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं भाईजान को और भाभी को जबान दे चुका हूं। जबान देने से पहले अपनी बेटी से पूछा था, उसकी मंजूरी ली थी आपने। हजर देखो तुम ऐसा करो कि रफिया की दिल की तसल्ली के लिए ना अभी के अभी माहिर को बुलाओ और उससे बात करो। और घर की तो बात है, इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात हो गई है, अभी तसल्ली हो जाएगी। सिर्फ घर की बात नहीं है, माहिर से पूछना भी बहुत जरूरी है, उसका दीनी और शरई हक है। जी भाई। अरे क्या हो गया आपको? अब अच्छी तरह से जानते ना कि दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे के बगैर एक मिनट नहीं रह सकते। अच्छा भाई चलो ठीक है, अगर आप लोगों की तसल्ली नहीं हो रही ना तो नीलो तुम जाओ, जाके माहिर को बुलाकर लेकर आओ, अभी उससे यहां पूछ लेते हैं, सबकी तसल्ली हो जाएगी। जो भी तुम्हारी मर्जी है, जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है तुम वो कहो, क्योंकि तुम जानती हो हमेशा तुमने मेरा मान रखा है, मेरा फखर हो तुम, मेरा गुरूर। बोलो बेटा जो भी तुम्हारे दिल। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। माहिर। हाँ माहिर। हाँ चलो सब तुम्हें बुला रहे हैं, आ जाओ। माहिर चाचा जान बुला रहे हैं, चलो आओ ना, चलो आ जाओ। हाँ इधर आओ, आ गया, इधर बैठ। देखो तो सही माशाल्लाह से कितनी पुरसकून दिखाई दे रही है। कहाँ से खुश नजर आ रही है आपको ये? बेटी है मेरी, इसके दिल का हाल मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम चुप करोगी कुछ देर के लिए? बोलने दो उसे, उसकी मर्जी जानने दो उसे। माहिर अपनी माँ की दिल की तसल्ली के लिए अपने मुंह से बताओ बेटा कि तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया। बोलो बेटा। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे इनकार भी कर दोगे? बोलो बेटा जो भी तुम्हारी मर्जी है, जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है तुम वो कहो, क्योंकि
तुम जानती हो हमेशा तुमने मेरा मान रखा है, मेरा फखर हो तुम, मेरा गुरूर। बोलो बेटा जो भी तुम्हारे दिल में। सर क्या हो गया? बच्ची की खामोशी उसकी रजामंदी समझो। अब आ गई बात समझ में सबको? माहिर बेटे डरो मत, जो दिल में है कह दो। क्या कहना है उसने, तुम क्या जबरदस्ती कहलवाना चाह रही हो उससे? मेरी बेटी है ये, मैं अच्छी तरह जानता हूं उसके दिल को और उसके दिल की ख्वाहिशों को। उन लड़कियों की तरह नहीं है कि बाप को और खानदान की इज्जत को सारे बाजार बेच दे। ठीक है भाईजान, फिर हम इस सिलसिले में जो भी चीजें हैं वो बाद में तय कर लेंगे, है ना? ठीक है। मैसेज सीन कर लिए हैं बट रिप्लाई नहीं किया। कोई बात नहीं, जितना टाइम चाहिए लो, पर आई एम 100% श्योर कि आखिर में फैसला मेरे हक में ही होगा। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों? तुम नहीं हो टेंशन में, ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ? ऐसे कैसे कर सकते हैं? अजीब टिपिकल सोच है कि कजन हैं, दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है, तो उनकी शादी करा दो, खुश रहेंगे। मुझे नहीं समझ आता यार, मुझे तो पक्का यकीन है कि ये शोशा भी ना नीलो ने ही छोड़ा होगा। तो जब तुमसे पूछा तो कहा क्यों नहीं? कैसे कहती, क्या कहती बाबा के साथ, मना कर देती? बहाने उठे मुझ पर, क्या करती, तोड़ देती। वही जो तुमने डिसाइड किया है, अपनी शक्ल देखो, इतने शॉक लग रहे हो। मुझे भी शॉक लगा ये सब सुन के, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार कि लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं। दोस्त है हम, हाँ दोस्ती है अच्छी, तो सब मतलब क्या शादी करा देंगे? क्या हम अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते? हमारी अपनी जिंदगी है यार, इट्स आवर लाइफ, हमारी कोई चॉइसेस नहीं, हमारी कोई पसंद नहीं है। क्या पसंद है तुम्हारी, पूछ सकता हूँ? अनाबिया की शादी पे तुम मिले थे ना?
अरे प्रपोज किया उसने मुझे, शादी करना चाहिए। कहता है लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, और टू बी ऑनेस्ट जब मैं भी उससे मिली थी तो मुझे भी वो अच्छा लगा था, मैं थोड़ी सी यहाँ परेशान हो गई थी कि ये मोहब्बत तो नहीं है, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं कुछ हो जाता, और जब उसने प्रपोज किया था तब भी बहुत परेशान हो गई थी मैं, कंफ्यूज हो गई थी कि कैसे अचानक से, मतलब दिन ही कितने हुए बात करते हुए, लेकिन अब इस सब के होने के बाद मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है ये सोच के भी कि जितनी जल्दी वो मेरी जिंदगी में आया है उतनी जल्दी अगर वापस चला गया तो, सोच के भी तकलीफ हो रही है। क्योंकि मोहब्बत इतनी जल्दी शायद हो जाती है, मैं लड़की हूं मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकती, मैं अपने अब्बू के सामने तो एटलीस्ट नहीं कह सकती, मेरी खामोशी को मेरी रजामंदी समझेंगे, लेकिन तुम तो कह सकते हो ना लड़की हो, तुम्हारी बात सुन ली जाएगी। तुम्हारे दोस्त हो, क्यों तुम मेरे दोस्त हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, प्लीज कुछ करो, मैं नहीं कर पाऊंगी, जैसा तुम चाहोगी जो चाहोगी वैसा ही होगा। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। क्या बात क्या है, ये तवाफ कब खत्म होगा तुम्हारे? कुछ कहना है? ये हैसियत है मेरी आपकी नजर में, आपने मेरी अकलौती बेटी का रिश्ता तय कर दिया और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं समझा, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो आपने मेरे साथ किया है। देखो रफिया, दुश्मनी तुम कर रही हो बेटी के साथ, उसके जज्बात को ना समझ के, उसकी फीलिंग्स को ना समझ के, और दूसरी तरफ तुम अपनी जिद, अपनी अना के हाथों इतनी मजबूर हो गई हो कि तुम साथ को कबूल नहीं कर पा रही हो। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मुझसे जिद लगाकर नहीं बैठे हुए, बस मेरी बात रद्द करनी है, मुझे इस बात का एहसास दिलाना है कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में। क्यों, क्यों किया आपने ऐसा? मैं मां हूं उसकी, सबसे पहला हक मेरा है। एक बाप होने के नाते मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया, उसे तुम्हें जो भी रंग देना है दे लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा इस मौजू पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, जो पानी लाकर तो मुझे दवा खानी।
फिर आपने कुछ महसूस नहीं किया? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माहिर थोड़ी चुप चुप है। निशा तुम तो कमाल करती हो, मतलब बोले तो बोलती ज्यादा है, चुप रहे तो चुप क्यों? अरे आओ दुल्हनिया, यार कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, कहाँ रह गए तुम? हाँ तशरीफ लाइए भाई। जुम्मे को मंगनी है तुम्हारी, तो हम लोग सोच रहे थे कि वो अब थोड़े तो दिन रह गए तो कुछ इंतजामात के सिलसिले में डिस्कस कर लें। हाँ भाई देखो, पूरे खानदान और सारी बिरादरी को बुलाने वाली हूँ मैं, और देखना इंशाल्लाह ऐसी शानदार तकरीब करूंगी कि लोग बरसों याद रखेंगे, खूब रौनक लगेगी, खूब हल्ला गुल्ला होगा इंशाल्लाह। अरे क्या हो गया बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे इसकी तबीयत का क्या पूछते हो निशा भाई, मैं तुम्हें बताऊं, हमारा अगर इसे लिहाज ना होना तो घर में नाचता फिरे। ये तो देख नहीं रही हो, ये चेहरा देखो, हाँ कैसे ग्लो कर रहा है। सोने जा रहा हूँ। अरे भाई हमें जैसे नहीं पता है कि खुशी से तुम्हें तो नींद ही नहीं आएगी, इधर बैठो यार। बैठे बैठे आए, बैठे बैठे आपका दिन है आज। आइए बैठिए। वैसे अनीसा मैंने कहा था ना तुमसे, रफिया जो कुछ मर्जी कर ले, अजहर के लिए हमारे साथ से बढ़कर कोई नहीं। बिल्कुल ठीक कहा था आपने। वैसे रफिया की जो आंखें ना हमेशा साथ में आसमान पर टिकी रहती हैं। उसने आज बड़ी कोशिश की थी कि किसी ना किसी तरह इनकार हो जाए। मैं तो कहती हूँ अल्लाह भला करे अजहर का, उसने मौका ही नहीं दिया। अच्छा तो अब सारा क्रेडिट जो है वो चचा जान को चला जाएगा। हाँ भाई थोड़ा सा क्रेडिट मेरे लिए भी बचा लें। भाई सारा क्रेडिट नीलो का जी, इस रिश्ते में जितनी मेहनत मैंने की है ना किसी ने नहीं की होगी। क्यों? बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। इसे क्या हो गया? अरे थका हुआ है यार, सारे दिन का काम क्या हो गया। वैसे आपको याद है जब आपकी हमारी भी हाँ हुई थी तो हमारी भी नींद उड़ गई थी, बल्कि अब तक क्या बेटी बैठी है, चुप कर जा। मैं जा रही हूँ सोने, शपा खाए। कुछ भी बोल देते हैं आप। तो क्या नहीं हुई थी, उड़ तो गई थी नींद। खुश है वैसे है साथ, अल्लाह का शुक्र। हेलो। थैंक गॉड यार तुमने फोन तो उठाया। क्या हुआ, चुप क्यों? अरे मुझे कुछ वक्त चाहिए अपनी फैमिली से बात करने के लिए। हाँ तो टाइम ही टाइम है, मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। प्यार हुआ था इक
इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।